have uses in the immunology. They say, for example, we have uses in the diagnostics. Uses in the immunology. Short note करके आएगा तो इतना ही prepare करो. Uses in the forensics. Uses in the pharmaceutical. Everywhere they are very important. So recombinant DNA का मतलब हम लोग जो DNA manipulate करते हैं. Diagnostic में क्या important है? Diagnostic में हम लोग क्या करते हैं? Let's suppose you must have heard about today's AIDS the epidemic that is going on. ये थोड़ा सा अप्लाइड टॉपिक है, थोड़ा सा पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी नेक्स्ट ईयर का आएगा, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पीसीआर टेस्ट, कॉमनली कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस. इट इज डन फॉर लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ टीबी पीसीआर, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आरटीपीसीआर. पी सी आर में क्या करते हैं, रिमेंबर पी सी आर इज अ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस. द एपिडेमिक दैट इज गोइंग ऑन फॉर कोविड वी यूजली डू द आर टी पी सी आर टेस्ट. पी सी आर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज सम पर्सन हु हैज गॉट एन इन्फेक्शन, द सैम्पल विच वी आर गोइंग टू कलेक्ट मे हैव वेरी स्मॉल amount of the organism. Let's say for example for tuberculosis we usually take the sputum as a sample, lekin sputum mein it's a possibility that kabhi kabhi very small amount of bacteria rahega. You take a nasal swab, usme very small amount hai, kyunki itna very small hai to diagnosis karna possible nahi hai, wo diagnosis mein negative aata hai jab hum log lab test karte hain, because lab test may not be so much sensitive. तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये तो वायरस है, उसका जो डीएनए है उसको मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं या तो फिर उसको ग्रो करते हैं इन द लैबोरेटरी. रिमेंबर हम लोग वायरस को बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसके डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. डीएनए को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डीएनए मिलियन टाइम मल्टीप्लाई हो गया, नाउ इट इज इजी टू डायग्नोस, क्योंकि अभी क्वांटिटी बड़ा हो गया डीएनए का. दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बाय विच वी आर एबल टू डायग्नोस सर्टन डिजीजेस. पीसीआर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन. टूडे वी आर डूइंग पीसीआर टेस्ट फॉर मेनी डिजीजेस. अपने को सेकेंड ईयर में आएगा, सेकेंड ईयर में आएगा. That is what is a use, diagnostic use of recombinant DNA technology. We also have immunological use. कैसे? जो vaccines हम लोग बनाने वाले हैं, तो vaccines are also made on a large scale by again recombinant DNA technology. क्योंकि vaccine क्या है? Ultimately proteins है, viral protein है, bacterial protein है, जो कि immunology और immunity को stimulate करेगा. You must have all heard about again the epidemic that is going on, we are all going to get in vaccines. What are the vaccines going to do? Is we are going to boost your immunity. Wo bhi hum log recombinant DNA technology se banate hain. Pharmaceutical industry kya karna, we are going to manufacture drugs, we are going to manufacture hormones again through, because drugs hormones ke ultimately proteins hai, they all are proteins. So we are going to manufacture the drugs hormones protein all through recombinant DNA technology. फॉरेंसिक में क्या इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक अगेन अपने को नेक्स्ट ईयर आएगा. फॉरेंसिक में क्या इंपॉर्टेंट है, देर इज समथिंग कॉल, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो, मे बी टॉपिक कहीं तो रहेगा बुक में, बट वी गोइंग टू एक शॉर्ट नोट करके आएगा या तो वाइवा में पूछेंगे. तो हम लोग इस तरफ से प्रैक्टिकली, अगर हम लोग थोड़ा मैं लिंक कर रहा हूँ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, फॉरेंसिक में, फॉरेंसिक का मतलब क्या है,